कल शाम में 11:15 की जो गुजरात एक्सप्रेस है जो बोरीवली हॉल्ट करती है, वो गाड़ी में हमको एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि उसमें से कैश पास होने वाली है, तो हम लोगों ने बंदोबस्त लगाया था और चेकिंग स्टार्ट की थी। तो उसमें 18 लोगों को हम लोगों ने मतलब चेक किया बैग्स वगैरह, तो वो बैग्स उनके पास 35 बैग्स हमको मिली है। तो बैग के उनके बैग में क्या कंटेंट है और क्या उसमें रखा है वो पूछने के बाद वो कुछ सफिशेंट मतलब अच्छे से जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए, तो उनको हम लोगों ने उतार दिया और उनको पूछा कि क्या है इसमें, तो बोले कि कुछ ज्वेलरी है कुछ है। तो हम लोगों ने वो बैग खोली नहीं है और जैसे डाउट आया तो जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे, फिर उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं बता पा रहे, तो उनको पुलिस स्टेशन में लाया। फिर उनके पास इंक्वायरी होने के बाद पता चला कि उनके कुछ ज्वेलरी है, डायमंड्स है जो वैल्यूएबल्स है, और थोड़ी बहुत किसी के पास कुछ 10-11 लाख की कुछ कैश है। तो फिर हम लोगों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उनको कॉन्टैक्ट किया कंट्रोल से, आयर अथॉरिटी को हमने बताया। फिर उसके बाद क्यूआरटी जो टीम होती है इनकम टैक्स की, वो ऑफिसर्स आए हुए हैं और वही सिलबंद जो बैग है जिसमें वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट वैल्यूएबल्स जो है डायमंड्स है ज्वेलरी है वो हम लोगों ने उनको जो 35 बैग्स है वो अभी हैंड ओवर कर रहे हैं हम। करीबन 7.5 करोड़ की वो ज्वेलरी डायमंड है ऐसा आप प्राइमरी स्टेज पे हमको पता चला, ज़्यादा भी हो सकती है। और वो जो तहकीकात है वो तहकीकात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी हायर ऑफिसर्स जो क्यूआरटी टीम है वो अभी आई है यहाँ पुलिस स्टेशन में, और वो बैग्स और वो जो डाउटफुल जो पर्सनस है जो कैरियर्स है उनको अभी उनके पास वो तहकीकात करेंगे, उनकी ज़बानी लेंगे बयान लेंगे। किसके बैग से कहाँ ये बैग जो है उनका कहना है कि वो अंगड़िया जो है कोरियर कंपनी, तो वो हर जगह उनकी ऑफिसेस है जो ऑल ओवर इंडिया में है और बॉम्बे में भी है, तो वहाँ से उन्होंने वो कैरियर का जो पार्सल से वो कलेक्ट किया था और कलेक्ट करके वो बैग्स वो लेके जा रहे थे, उसकी जानकारी अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगी।